भर जी कछु काम धंधा नहीं है का आपके पास आया भाभी जी का मैसेज आया का भरपूती जी कछु काम धंधा नहीं है आपके पास ये कैसी बात लिखी भाभी जी ने यार भाभी जी बेचारे सीधी साधी उन्हें क्या पता चैट बुक में क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए है ना एक मिनट भाभी माँ विपुली भैया ने आपको मैसेज दिया है कहा कहा मैसेज किया है वो लिखे है कि आप क्या कर रही है हटिया हम उनसे चैट कर रहे हैं ना तो लिखो कि बात कर रहे हैं आया भाभी जी का मैसेज आया कमाल है भाभी जी बड़ा फास्ट फास्ट जवाब दे रही हैं क्या लिखा है काम कर रहे हैं और आपकी तरह नल्ले तो नहीं घूम रहे कमाल है यार भाभी जी ये अजीब से जवाब दे रही है anyway, भाभी भैया ने लिखा है क्या बहुत अच्छी चैटिंग कर रहे हैं दया, उनको अभी लिखते हैं भाभी कभी हमारे घर पर आके पकाते हो अब चैटिंग करके पका रहे हो ये भाभी जी वो क्या हो गया यार क्यों इतनी कड़वी बातें कर रही हैं एकदम लड्डू की भैया की तरह Anyway, भाभी जी आपने हमें विभू अरे अभी तक बाथरूम में विभू अरे विभू क्या है डार्लिंग फ्रेश हो रहा हूं भाई अरे कितनी देर से फ्रेश हो रहे हो तुम बहुत देर होगी अब तुम बाहर आ जाओ अभी तो घुसा हूं तुम समझ नहीं रहे हो बहुत अर्जेंट बात है तुम जल्दी से बाहर आ जाओ बस कमान अनु आ रहा हूं ना यार आओ ना बाहर ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई है यार हट कर रही है और यार ये अनु बवाल कर रही है अब आओ भी ना बेबो क्या कर रहे थे तुम बाथरूम में जो सब करते हैं वही कर रहा था नथिंग न्यू फ्रेश हो रहा था और ये लैपटॉप भी तुम्हारे साथ गया था बाथरूम में फ्रेश होने नहीं ये रिफ्रेश हो रहा था क्या अभी तुम ये क्या कुछ इस पे डाउनलोड करती रहती अगड़म बगड़म हैंग हो गया था इसको रिफ्रेश कर रहा था अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं सुनो <laughs> ना मेरा बड़ा दिल कर रहा है वो तो मेरे लिए अदरक की मसाले वाली तुलसी वाली चाय बनाते हो ना तो बना दो ना तो ये अर्जेंसी थी क्या हाँ यार तुम देर में तुम खुद चाय बना लेती यार कम ऑन अनीता नहीं, नहीं विबु तुम कितनी अच्छी बनाती हो तुम्हारी वाली चाय पीने का मन कर रहा था no, ये ये और कुछ नहीं सिर्फ तुम्हारा आलसीपन है आ आ आ आ कम ऑन जल्दी से बनाओ कम ऑन कम ऑन गो गो आज मैंने कुत्ता पाल रखा मसाले वाली लव यू ए गुलबदन फूलों सी महक का टो सी चुबन तुझे मन बस कर घर तक छोड़ के आएगो के कमाल कर रहे हो सकस जी ए जे का लिख रहे हो तुम लोगों की समझ से परे है ऐसी कौन सी महाभारत लिख रहे हो जो हमारी समझ से परे है कॉपीराइट कर रहा हूँ अब आता हूँ तो मैं भी दिख रहा है कॉपी में राइट कर रहे हो ए नई बात है रही जो बताओ देखो भाई ये जो किसी प्रोडक्ट के लिए जो विज्ञापन होता है उस विज्ञापन को लिखना उसको बोलते हैं कॉपीराइट करना समझे अच्छा जो टीवी में आते तो है हाँ जो टीवी में आते तो है आ, आते हैं <laughs> <आवू>। <laughs> क्यों लौंडो, पका रहे हो सक्सेना जी को नाना ए, नाना तिवारी भैया सक्सेना जी ना विज्ञापन को एड लिख रहे हैं विज्ञापन और एड एक ही चीज होती है कदम सक्सेना जी ए, आप भी एड बनाते हैं जी भैया हमें तो लगा शायद आप सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं आई लाइक इट वैसे भैया कानपुर के लोकल चैनल्स जितने हैं ना उनमें जितने भी एड आते हैं आधे से ज्यादा मैंने लिखे होते हैं अरे बात अब तो आप बहुत काम की चीज है सक्सेना जी आप हमें मॉडल बनने के टिप टिपिप देंगे मॉडल बनने के टिप हाँ क्यों भैया आपका कच्चे बनियान का खोखा तो बहुत अच्छा चल रहा है ना अरे वो तो ठीक है लेकिन जो अनीता भाभी है ना वो एक एड बना रही है और हमें अपने साथ मेन मॉडल ले रही है तो अच्छा? जरा टिप विप दीजिए ना हाँ भैया अनिता भाभी ऐड बना रही है अच्छा पता नहीं था मैं देखिए भैया टिप इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ इसके लिए जो यानी एक अच्छा नमूना बनने के लिए सबसे नमूना पहले... बनने के लिए क्या मतलब हम आपको नमूने लगते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, भैया नमूना का नमूना वो मतलब यानी मॉडल को हिंदी में नमूना कहते हैं अच्छा जी तो अच्छा एक नमूना यानी यानी मॉडल बनने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को एकदम फिट करें बॉडी फिटनेस ओहो उसके लिए टाइम नहीं है आगे बढ़िए नेक्स्ट तो फिर आप एक काम करें आप कैटवॉक सीखिए तो सिखाइए क्या होता है वो सब आते कैटवॉक करके दिखाऊं दिखा अरे वाह लग जा लग लग जा जा पहले यूं सीधा खड़ा होना है सही और घूर घूर के देखना सबको फिर ऐसे बैठ जानो है और फिर चल ऐसे वेरी गुड आई लाइक इट भैया इन मस्करों को छोड़िए आप देखिए ये बॉडी का जो जेस्टर पोस्चर है ना उसको बहुत ज्यादा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा रखना पड़ेगा आपके करियर का सवाल है भैया ये स्टाइल में स्टाइल में टर्न। क्या बात है? क्या? अच्छा आगे। हैं? ये ना, ये है ना? बॉडी का जेस्टर पोस्टर भी है। आइए ट्राई कीजिए। समझ गया ना? हाँ हाँ। हाँ। थोड़ा थोड़ा सीधा रखिएगा पेट थोड़ा सा। चलें। क्या हो यार? भैया जी, बिल्कुल असली वाले लग रहे हो। थोड़ा सांस खींच लो, पेट अंदर को ले लो गुड लड्डू के भैया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है भाभी जी रंगून तो बहुत दूर की बात है लड्डू के भैया की चिपलुन जाने की औकात नहीं है अका बोले अब कुछ नहीं ये बताइए कैसी हैं? ठीक बा आपसे चाट करके बहुत अच्छा लगा आपको मुझसे चैट करके अच्छा लगा हाँ हमको बहुत मजा आया। <laughs> अभी जी ने चैटिंग के बहाने हमारी औकात निकाल कर रख दी और कह रही है, है? बेजती करके इतनी खुशी मिलती है तो कही है, मैं दिन दोबारा करूंगा आप मेरी बेजती करिए दिल भर के चाहे उतनी बेजती करिए आप कहा बोल रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है समझ तो हमारी भी नहीं आ रहा है लेकिन इस मौजू पे एक शेर आ रहा है आ, कर दीजिए कर दीजिए फिरोजाबाद फिरोजाबाद भाभी जी इट्स नॉट कर दीजिए अर्ज कीजिए और इट्स नॉट फिरोजाबाद इट्स इरशाद सही पकड़े हैं भाभी जी अर्ज किया है मेरे पिताजी की बहन मेरी बुआ लगती है मेरे पिताजी की बहन मेरी बुआ लगती है तेरी दी हुई गाली चोकर मुझे दुआ लगती है आपको पसंद नहीं आया क्या ये शेर ये बुआ कहां से आ गई एक्चुअली क्या भाभी जी कि वो uh, मुझे काफी नहीं मिल रहा था तो मैंने बुआ <laughs> जी को डाल दिया यू ना। तो तो बैलेंस इक्वेशन क्या होता है कई बार आपको जब शेर को बैलेंस करना पड़ता है ठीक बात अब रात को जागेंगे क्या आज आप कहें तो मैं ताउमर ना सूं नहीं सोइए सोइए हम आज रात को लाइन पर आना चाहते हैं आपके भावि आप मेरी आप मेरी लाइन पर आना चाहती मेरी लाइन पर आना चाहती है आपने लड्डू के भैया की लाइन छोड़ दी अ लूजर बॉल लूजर है चार्ट अकाउंट खोलिए, चार्ट अकाउंट खोलिए और लाइन पे आइए, लेकिन वो आते ही नहीं हैं। तो आप ये ऑनलाइन चैटिंग की बात कर रही थी हाँ। अभी जी, आपकी जो ये मास्कियोमिया है ना, ये कई बार दिन में बड़ी खुशफैमिया पैदा कर देती है। हाँ क्या बोले? चलता हूँ। हाँ रात को बहुत सारी � <laughs> हाँ तो अम्मा जी को लिखो आ, मिक्सिंग यू वो मिसिंग यू होता है भाभी माँ सही पकड़े हैं लिखो लिखो हाँ भी लिखता हूँ जरा देखें भाभी जी ऑनलाइन है कि नहीं अरे वाह भाभी तो ऑनलाइन है होप कि आज भाभी जी अच्छी तरह से बात करें <laughs> भाभी माँ आपको विभूति भैया ने हावारू का मैसेज भेजा है अरे यार लाइन पे आ गए वो अच्छा उनको लिखो आई एम ठीक बा ठीक है भाभी okay. आ गया भाभी जी का मैसेज आया हम तो ठीक बा लेकिन आपको लगता है बेचैनी की बीमारी हो रात में आप हमको डिस्टर्ब कहा है कर रहे हैं नहीं? यार ये भाभी जी को चैटिंग करते वक्त पता नहीं क्या हो जाता है क्या दौरे पड़ने लगते हैं पता नहीं क्या हो जाता है इनको भाभी जी आप चैट बुक पर हमसे इतनी नफरत से बात क्यों करती हैं कहीं आपको लड्डू के भैया तो नहीं भड़काते और का मैसेज भेजे है बरबूती जी भाभी माँ वो कह रहे हैं कि भाभी जी मैं आपको पक्का तो नहीं रहा <laughs> हूँ उनके लिखो ना ही ना ही आप पका ना ही रहे हैं लड्डू के भैया के बारे में एक शब्द भी मत बोलना वो आपसे लाख गुना अच्छे हैं आपके जैसे नहीं है बात है सर तुम्हारा भैया बड़ी कैसा हूं मैं भाभी जी बताइए मैं कैसा हूं बहुत ही चालू टाइप के हैं चालू मैं नहीं चालू वो है क्या कह रहे हैं वो और हाँ भाभी माँ भैया की बुराई कर रहे हैं वो वो कह रहे हैं कि भैया कंबल में घी पीने वाली पार्टी है हाय दिया ऐसे कह रहे हैं वो उनको बोलो हमको बात ना ही करनी है ना ही चैट करना है अब हम सो रहे हैं गुड नाइट ठीक है, है भगमा हमको आपसे चैट नहीं करनी है आप कंबल में घी पीने वाली पार्टी है। आप नल्ले हैं हमारे लड्डू के भैया शरीफ हैं तिवारी जी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा गेम्स खेल रहे हैं ना आप मेरे साथ अभी जी आपको जो ये लड्डू के भैया के ऊपर अंधविश्वास है ना अगर मैंने उस अंधविश्वास को तार तार ना कर दिया तो मेरा नाम भी विभूति नारायण मिश्रा नहीं। लड्डू के भैया और हम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए लड्डू के भैया के नैनो के भूल भुलैया में अंगूरी खो जाए भाभी हुआ लड्डू भाभी माँ आपको किसी अंग्रेज लड़की एंजेलिना ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, है? अंग्रेज लड़की हाँ भाभी माँ भाभी माँ हम एक्सेप्ट कर लेगा हाँ हाँ कर लो कर लो लड्डू कहा है ना अंग्रेज फ्रेंड होगी तो हमारी अंग्रेजी और अच्छी होगी है ना ये लीजिए भाभी माँ भाभी माँ उसने तो आपको मैसेज भी भेज भी दिया कहा मैसेज भेजा है भाभी माँ वो आपको हाय ग्रेप बुला रही है हाय दया ये ग्रेप होता है भाभी वो अंग्रेज में आपका नाम होता है आ नहीं नहीं उसको लिखो के अंगूरी ही ठीक है लीजिए भाभी मा भाभी मा आ, वो आपको पूछ रही है कि मेरा मोनू डार्लिंग कैसा है अरे मोनू डार्लिंग कौन है ये मोनू डार्लिंग हॉलीवुड ले जाऊंगी नहीं भाभी माँ आप टेंशन मत लो मुझे पक्का यकीन है कि आपके साथ कोई मजाक कर रहा है आ, मजाक हाँ मजाक ही तो कर रहे हैं नहीं तो आज तक मैंने किसी लड़की को आपके ला भैया से इम्प्रेस होते हुए नहीं देखा आ, ये तुम सही कह रहे हो ना हंड्रेड परसेंट सच भाभी माँ ठीक भैया का और वो का इतनी ब्यूटीफुल अंग्रेज लड़की अब, अब फिर भी उसको पूछो कि उसके पास का सबूत है कि लड्डू की भैया ही उसके बाय फ्रेंड है ठीक है भाभी माँ ये अंजलिनिया तो हमको अंदर से हिला के रख दिए हैं भाभी माँ वो एंजेलिना है सही पकड़े हैं भाभी माँ उसका जवाब आ गया अकाल लिखती है वो नाचपीटी उसने लिखा है कि मोनू का दिल चीर कर देखो उस पर मेरा नाम लिखा है भाभी माँ आप टेंशन मत लीजिए जरूर आपके साथ कोई मजाक कर रहा है ठीक है मैं एक काम करता हूँ मैं लॉग आउट कर देता हूँ वरना आप फिर से टेंशन में आ जाओगे अंगूरी आई आई है कैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप बैठे ना अनिता जी हमका आपसे एक काम था अरे बताइए ना अंगूरी जी अनिता जी देखिए ना इन लड्डू के भैया की जो शर्ट है इस पे जो दाग गिरा है इसको कितनी बार धुलाई किए है लेकिन दाग निकलता ही नहीं है <laughs> अंगूरी जी ये तो सिर्फ दो मिनट का काम है आप इसे एरियल से वॉश कीजिए एरियल एक धुलाई में दाग हटाता है सबसे बेस्ट अच्छा हाँ और शर्ट को कोई नुकसान भी नहीं होगा ऐसा है का अफकोर्स विभु घर के सारे कपड़े एरियल से धोता है इसीलिए तो सारे कपड़े बिल्कुल नए जैसे लगते हैं सही पकड़े हैं अंगूरी अंगूरी आ तुम्हारी घूरन क्रिया समाप्त हो गई हो तो जरा बताओ कि हम कैसे लग रहे हैं? हाय कहीं लड्डू के भैया ये उस अंग्रेजन के लिए तो नहीं बनाए हैं क्या हम कुछ पूछ रहे हैं पगली? बगली पूछ रहे हैं हमने पूछा कि हम कैसे लग रहे हैं इस सर पे घोंगा है, रखे हैं अरे तुम बिना एकदम भोली हो अरे ये स्टाइल है पगली ये का स्टाइल है हाँ। ये लड्डू की पैंट काहे पहने है ये सरप्राइज हम तुम्हें बाद में देंगे अभी कुछ नहीं बताएंगे कौन सा सरप्राइज बस ये समझ लो कि बहुत जल्द हम हॉलीवुड जाने वाले हैं हाय दिया अंजली ने अभी बोल रही थी कि वो लड्डू के भैया को हॉलीवुड ले जाएगी क्या हुआ का है, का है, में जाना चाहते हैं अरे वो वो हॉलीवुड होता है पगली सही पकड़े हैं अरे जब जाएंगे तब बताएंगे हम आते हैं जा रहे हैं हा? ये सवाल पहले तो तुमने कभी नहीं किया आज अचानक कैसे कर दिया तो पहले भी तो आपने ऐसे कपड़े ना ही पहने नाजलिनिया क्या क्या गाया अंजलिनिया वो मोनिका ओमर डार्लिंग ये होता है हमको एंजिलेनिया गाना है आपको कोई प्रॉब्लम है का तो तुम्हें क्या लगता है हमें इन कपड़ों में देखकर लड़कियां हम पे मर मिटेंगी ना ही हमको तो ना ही लगता ए, तो जाओ अपना काम करो फैशन के बारे में कुछ आता पता है नहीं जाओ अंजलिनिया, ओ माय डार्लिंग एक मिनट यहां आओ यहां ये क्या क्या गाया एंजेलिनिया ओ माय डार्लिंग वो मोनिका ओ माय डार्लिंग योतार हमको एंजेलिनिया गाना है आपको कोई प्रॉब्लम है का अंगूरी भी पता नहीं कौन से घेर में रहती है खैर अंगूरी की माया अंगूरी ही जाने हम तो भाभी जी की माया में है हाँ हाँ मेरी तैयारी चल रही है बस जैसे मैं शूट करूंगी तुझे दिखाती हूँ हाँ, हाँ, तैयार है ना नहीं नहीं विभू नहीं कर रहा ना अरे वो हमारे जो पड़ोसी है ना तिवारी जी हाँ उनको लिया है मैंने मॉडल अरे नहीं नहीं वो एकदम परफेक्ट सूट होते उस उसपे हाँ आ!